हाय एवरीवन, सुबह की 6:30 हुए हैं और आज मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो ये जो वीडियो होने वाली है वृंदावन के ऊपर ही होने वाली है, सो सोचा कि आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो चलो तो गाइस, सुबह के 9:30 हुए हैं। थोड़े टाइम मुझे रेडी वगैरह होने में और लगेज वगैरह पैक करने में लग गया, और ये ट्रिप जो है ये नोएडा से वृंदावन के लिए है। आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम नोएडा। का शौक है और दोस्त हुआ फॉन्ड ऑफ स्पीड, दे कैन टेस्ट देयर व्हीकल्स हियर। ओह या, बट डोंट फॉरगेट टू ड्राइव सेफ। और ये कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो कि मिडवे में पड़ते हैं, यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जॉइंट्स हैं। अगर किसी को कुछ भी खाना हो तो यहाँ पे इजीली आके खा सकते हैं। सो फाइनली आई रीच वृंदावन और अब मैं वृंदावन में प्रवेश करने जा रहा हूँ। गाड़ी मैंने पार्क कर दी, होटल वाले मिल गया और अब जा रहे हैं टेम्पल की तरफ। एंड या, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब। और ये मेरा पहला टेम्पल है जो कि मैं विज़िट कर रहा हूँ, जो है श्री राधा वल्लभ जी। तो अच्छे से मैं आपको राउंड अप देता हूँ इस प्लेस का, एंजॉय करिए। काफ़ी अच्छा सा और पॉजिटिव सा इन्वायरमेंट बन रहा है यहाँ पे। चलते हैं हम किसी घाट की तरफ, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है इस मंदिर से। इट इज़ क्लोज टू दिस टेम्पल। तो दिस इज़ केसी घाट विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं, बोटिंग वगैरह भी होती है। माँ यमुना का प्रवाह साइड में चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट और पीसफुल प्लेस है ये। और इसके अलावा ये साइड में फोर्ट्स वगैरह, काफ़ी पुराने टाइम के फोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं। तो अब मैं पहुंच गया हूँ बांके बिहारी जी के मंदिर में, जहाँ की सबसे ज़्यादा भीड़ हमेशा देखने को मिलती है। तो अब हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर में। एंड दिस प्लेस इज ऑल्सो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ब्रज भूमि, आई मस्ट से। एंड प्लेस इज़ ब्यूटिफुली क्राफ्टेड, मतलब बहुत सुंदर और भव्य मंदिर है ये। जो भी यहाँ पे आए वृंदावन में, डेफिनेटली इस जगह तो ज़रूर जाए। और लाइटनिंग तो कमाल की है यहाँ पे, मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ LEDs विद डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड हियर। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही कुछ है यहाँ पे देखने को, और कला का बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन किया गया है एक एक जगह पे। मेनली इस मंदिर में भगवान कृष्ण के बालवन को दर्शाया गया है, जो कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़ जो दिखाए गए हैं इसमें उससे आइडिया लगा ही सकते हो। और ये मंदिर की मेन एंट्री है, जहाँ पे प्रॉपर मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं। एंड द प्लेस लुक्स रियली ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। जितना ये बाहर से सुंदर है उससे कहीं ज़्यादा ये और अंदर से सुंदर बनाया गया। सो आई विल नॉट स्पीक मच अबाउट इट, आप लोग खुद देखिए जितना भी मैं कैप्चर कर पाया अपनी तरफ से। बेस्ट फॉर यू गाइज, जस्ट हैव अ लुक। एंड आई विल अगेन से यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। Thank you.
जानते हैं राधा रमन जी के मंदिर में, ये मंदिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया गया है। जस्ट हैव अ लुक। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू निजबन विच इज़ अनदर वेरी ब्यूटिफुल प्लेस कवर्ड विद द प्लांट्स ऑफ तुलसी माँ। एंड माना जाता है कि भगवान कृष्ण यहाँ पे आके रासलीला करते हैं। सो दिस इज़ माई लास्ट स्पॉट विच इज़ श्री राधा रानी टेम्पल, जो कि थोड़ी हाइट पे है बरसाना में। बहुत ही सुंदर टेम्पल बनाया हुआ है। तो मैं अच्छे से आपको सारे व्यूज और पॉइंट्स दिखाता हूँ यहाँ पर। टेक अ लुक। ये बरसाना है क्योंकि रात को स्पेशली बहुत ही सुंदर लगता है मंदिर की ऊंचाई से। एंड इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड माय ट्रिप हियर, बट सून आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।